श्री दारु ब्रह्म कमर गाथा षष्ठकर पुणि सृष्टिर कथा श्री दारु ब्रह्म कमर गाथा षष्ठकर पुणि सृष्टिर कथा जगत जनक मंगल पाई नीला क्षेत्र कल श्री क्षेत्र भूई से अमर गाथा दिए बखाणी करे कल्याण दोर्भ्यां शोभितलाङ्गलं समुसलं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाढ्यं वरकुण्डलैर्भुजबलैः आक्रांतं भूमंडलं वज्राभांचल चारुगंडजुगलै नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं संग्रामे चपलं शशांकधवलं श्रीकामपालं भजे मध्ये वेदी परात्परा भगवती जाह्लादिनी रूपिणी निर्लिप्ता गुप्त देहा त्रिभुवन जननी सूक्ष्म रूपा विचित्रा देवी मानंद कंदा कनक तनुधरा सर्व सौभाग्य रूपा देही मे सुधा भक्तिं हरिपद जुगले जोग मायां स्मरामि फूलंदी वर लोचनैर्नवघन श्यामाभिरामा कृतिं विश्वेशं कमला विलास विलसद पादारविंद द्वयम् दैत्यारिं सकलेन्दु मंडित मुखं संखारी शोभाकरं वंदे श्री पुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मी निवासालयं। एठी आध्यात्मिक परिभाषा रे कृतज्ञ एक ही बुझा जाए धरंतु ये मोर ये बाबू मोर बहुत उपकार करिसंती तेणु मु तांका पाखरे कृतज्ञ। एठी आमे कृतज्ञ शब्दर अर्थ ऋणी हिसाब रे नै छे मु तांका पाखरे ऋणी किंतु आध्यात्मिक परिभाषा रे कृतज्ञ रो शब्द एया नुहे कृतज्ञ रो अर्थ मध्य एया नुहे काई कि नुह जे धर्म जानंती से धर्मज्ञ जे वेद जानंती से वेदज्ञ तेणु जी कृत को जानती सी कृतज्ञ तेणु जीवर समस्त कृत को समस्त कर्म को जी ज्ञात अच्छा सर्वा सदा सर्वदा ज्ञात अच्छा सीए ही कृतज्ञ अर्थात समस्त जगतर ज्ञाता सबु कर्मर ज्ञाता जीवर समस्त कृत को सी जानते तेणु से कृतज्ञ पुरुष तो आपण समर्थ हो सर्वसमर्थ हो ये महाराजा इंद्रदुम्न को बर प्रदान कले सी खुशी हुए जीवन मन सबकि सार्थक होता हजार हजार थर जन्म नहीं सी जो सुकृत अर्जन करथाथ भाव उपकार हाँ तो भगवान हसी हसी या कहते बर ठीक कथा अच्छी बर आरंभ करदे बर दवा एक मानने एमती गोटे धारावाहिक भाव में बर आरंभ हो गला दवा को निष्काम भक्ति जार निजपे कि करार ना संसार उद्देश्य प्रभु प्रतिष्ठा उद्देश्य भगवत प्रीति रे सेवा मनोभाव जहाँ करा तार मूल्य तो सहजरे दि जापे तथापि तो प्रभु वरदान करुछन कौन वरदान कले प्रथम बर बरंग ददामिते भूप हे राजा तुमको मु प्रथम बर दे त्वयी भक्ति स्थिरा तुर्दे मो पदरे तुमर भक्ति सर्वदा निश्चला भक्ति अचला भक्ति रहू मो पदरे भक्ति रहू
निरंतर भाव रे अखंडित भाव रे अहेतुकी भाव रे बिना बाधा विघ्न रे सदा सर्वदा तुमर भक्ति मो पाद रे अर्पित रहु रहिला मध्य ये हला तुमको प्रथम वर। महाराजा द्वितीय वर कथा सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव ब्रवीमिते मु तुमको सत्य करी महाराजा गोटे कथा कहूँ ये प्रासाद भंगे तत्स्थानम न त्यक्ष्यामि कदाचन जदि ये श्रीवत्स खंडशाल तुम प्रतिष्ठित मंदिर भांगी जाए तथापि मध्य मु ये क्षेत्र छाड़ी कुआड़े जीवी ना जमी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण उद्धव को गोटे कथा कहते एमती ये वृंदावन छाड़ी पादम एक नगच्छामि वृंदावनम परित्यज्य वृंदावन छाड़ी मु पादुटिए मध्य कुआड़े जीवी ना जमीती भगवान कहते लीला पुरुषोत्तम सेमती इ पुरुषोत्तम मध्य गोटे कथा कहते शंका उपजी पारे संदेह उपजी थारे उपजी पारे प्रभु केबे ये क्षेत्र छाड़ी पलैबे ये कौन करिवे दर्शनार्थी माने कौन करिवे देवगण कौन करिवे सिद्ध गंधर्व किन्नर चारण माने तो तुमको सत्य करी गोटे कथा कहुची ये त्रिबार सत्य मोर ये प्रासाद भग्न होगले ये क्षेत्र ये पुरुषोत्तम क्षेत्र छाड़ी मु कदापि कुआड़े जीवी ना द्वितीय वर तृतीय वर यही मंदिर चिरकाल रही कालक्रमे कालर कबल महाकाल बक्षर ये मंदिर लीन हेब अन्य केही राजा महाराजा आसबे अन्य केही बदान्य लोक आसबे मंदिर तैयारी करिवे मोर तृतीय वर है राजा मंदिर जीए निर्माण करंतु पुनरुद्धार जीए करंतु जुगावधि कालावधि ये स्मृति थिला पर्यंत स्मृति रे जीव मनरे ये स्मृति थिला पर्यंत ये मंदिर इंद्रदुम्नकर तैयारी इंद्रदुम्नकर ये होची संपूर्ण भाव रे गोटे माने एभली से एक त्याग मूर्तिर प्रतीक ये मंदिर तांकर निष्काम भाव ये मंदिर से निर्माण करिसंति जगत एया घोषिबो मंदिर जीए करुणा कहीं ये हूँ इंद्रदुम्नक तैयारी मंदिर ये तृतीय वर। चतुर्थ वर ब्रह्मांकर द्वितीय परार्ध चली ये श्वेतवाराह कल्पर द्वितीय सत्ययुग चली एमती युग पर युग अनेक कल्प बीतीगला ब्रह्मांकर द्वितीय परार्ध शेष हवा पर्यंत मु ए दारू रूप रे ये क्षेत्र रे अवस्थान करी एहा मोर वचन एहा विधि निर्दिष्ट मु मध्यम नियम रु बाहर नाही चंद्र सूर्य को जेमिति नीति नियम रे सब रखा जाय छे सब किछि व्यवस्थित रे चली छे मो द्वारा सृष्ट नियम को मु मध्य लंघन करे नाही तेणु हे राजा ये द्वितीय परार्ध शेष पर्यंत मते एमिति दारू देह धरी ये क्षेत्र रे विराजमान हवा को हबो ये तम पे चतुर्थ वर। स्कंद पुराण वर्णित ये बर प्रसंगे आम कौटि भी देखा पाइले जे राजा कहते जे हे प्रभु जदि बर मत दब ताले यही बर दिंतु मो वंशर कहीं न रहू ये मंदिर मोर यही अहमिका से न रहू ये बर स्कंद पुराणर वर्णित विषय वस्तु नुहे अनेक कथा शुणा कथा से मत हस्तौ हरिमंदिर मार्जना दिशु ये इंद्रिय माने तो प्रभु यही अच्छा शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने पाद ये क्षेत्र गतौ ये पाद से अच्छी जे क्षेत्र में पदार्पण कर ये हाथ से अच्छी जे हरिमंदिर मार्जना कर ये चक्षु से अच्छा जे नयनाभिराम रूप छवि देखु ये कर्ण से अच्छा जे सदा सर्वदा प्रभुंर लीलाश्रवण करुवे आदम तृप्त हो नए आहरी आहरी शुणापी आकांक्षा बढ़ी जा शिविर से अच्छी जे ऋषिकेशंकर पाद पद्म नत हव तो मोर ये हाथ आपणकर कौ काम लगे तेणु मंदिर ओल्लवाई आपणकर मार्जन करने मत झाड़ूटे दिंतु ये प्रसंग स्कंद वर्णित प्रसंग नुहे तो यह बारातर प्रक्षेप भाव यह पशि आसी संस्कृति भितर को आम कथार कथार एवं समस्ते कह लगे जे इंद्रदुम्न बर मागिले वंशरे कहीं न रहंतु सी झाड़ूटे मागिले मंदिर मार्जना करेंगे शास्त्रीय मत जोड़िए कथा कहे कौन कहे शास्त्रीय मत से स्कंद पुराणर आवश्यकता पड़ा
भगवान इतिवृत्ति जानवाप अध्ययन करार दरकार शास्त्र पढ़िले जाणिले से दुईट कथा मिले जहाँ सत्य ता प्रकाशित हुए जहाँ पाखंड जहाँ प्रक्षेप जहाँ पछरे भर्ती करा जहाँ कल्पना प्रसूत सी सबू निरस्त हो जाए सी सब सत्य प्रतिपादित हम ना ये दुईटी कथापाई पुराणर आवश्यकता थिला अच्छी स्कंद पुराण ता कहते तो इंद्रदुम्न बर प्रसंग इंद्रदुम्न एमती बर मागुचंती ब्रह्म पुराण रे आसे गोटे कथा जे प्रभु जदि बर दबा को मत चाहूंती तेबे पादाब जयोस्ते आपण को पाद पद्वरे मत स्थान दियंतु कहीं सी पुराण कथा किछि लेखा जाए ना मो वंश रे केही न रहु किंबा मार्जन पे झाड़ूर आवश्यकता अच्छी या मागि नबा अरे जहार काम जहा हस्त से अच्छी जे मार्जन कर प्रभु को मागार कौन अच्छी ये विशेष आलोचनार विषय ये तेणु जहाँ हूँ स्कंद आम आलोचना स्कंद पुराण को करुचे जो थे सब कथा ना इंद्रदुम्न को महाराजा महाराजा इंद्रदुम्न को एमती चारोटी वर प्रदान कर भगवान ब्रह्मा जितेबड़े संतुष्ट भगवान वर प्रसंग शुणी एथर आउ किसी कम कर संपूर्ण भाव में मुझे मुक्त हैली ब्रह्मा एबे तांको ब्रह्म लोक को फेरी जीवा को देवता मंडली सह समस्त उद्यम करुछंती एवं इंद्रदम्न ठारु विदाय नौछंती समय गोटे कथा घटिला हे महाराजा ए शून्यवाणी हला परि समस्त को सुनागला गोटे कथा ए मोर जो मूर्ति एठी प्रकटित हला मु प्रकट जे रूप नेली एथि पई कोन करा जीव एमती तो खाली पूजार आयोजन कर देले एमती हबो नाही संपूर्ण भाव रे जात्रा सर्वा भगवता आज्ञाप्ता साधुकारय अस्मिन् संतुष्टिते नाथ वयं सर्वे संतुष्टितः जात्रा कर उत्सव मानकर मोर पालन कर मोर जात्रा उत्सव पालन हौ महाराजा एथिरे कुंठा प्रकाश कर ना कौन जात्रा करिव जात्रा सर्वाहा समस्त जात्रा जेते जेते जात्रा मु कहूँ आज्ञापता मोर आज्ञा रे ताहा करा जाऊ तो ये जात्रा समूह जहाँ नीलाचल रे ये क्षेत्र भितर अनुष्ठित होती जानते बार मसे तेर जात्रा ये हूँ प्रधान जात्रा सतैश टी उपजात्रा शहे आठटी पार्वण जनित जात्रा तो एमती शहे अड़चाश एमती हिसाब साधारण हिसाब से अर्थात वर्ष तमाम प्रतिदिन किछि ना किछि उत्सव नीलाचल अनुष्ठित हो तो यात्रा सब भगवान का आज्ञापता साधुकार मो आज्ञा कर जड़े तो भगवान को मूर्ति रखिले पाख को आसिले कि मत दर्शन कले सी तो नयन मन तृप्त है आउ ये जात्रा रा कौन आवश्यकता अच्छी कहा मन रे ये कथा उठी पारे तो एथिपाई प्रभुंकर गोटे आज्ञा थिला संपूर्ण भाव रे गोष्ठी करिबो बहु मिली मो घरे देव दीपावली आनंदे करी मो उत्सव दिवस रज निवंचिब हे राजा एमती एकांग पूजा अपेक्षा निजे निजे पूजा करिबा अपेक्षा गोष्ठीगत भाव में पूजा आराधना करी उत्सव मान पालन कले जनमानस हर्ष उत्फुल्ल आनंद अखंड आनंद दान करिबो एहा मोर आज्ञा तेणु जात्रा सर्वा भागवत भगवता आज्ञाप्ता साधुकारय अस्मिन् तुष्टे जगन्नाथ राजा कहुछंती प्रभु आपण जदि एमती जानी जात्रार संतुष्ट आमे ता करिवा को काहिंकि पछैबो अस्मिन् तुष्टे जगन्नाथ संतुष्ट वै चराचरम आपण जदि ये यात्रा रे संतुष्ट हे जिवे ये पर्वपर्वाणी रे संतुष्ट हे जिवे तबे ये चराचर जगत संतुष्ट हे जिवो एथिरे आपत्ति कौन अछि आपण का आज्ञा शिरोधार्य ताहा ही करा जिवो तो समस्तक समक्ष रे यात्रा करा जिवो बोली आज्ञा प्राप्त हेले महाराजा इंद्रदुम्न एवं यात्रा कौन की यात्रा हबो जो द्वादश यात्रार कथा शुणुले ये यात्रा है सर्वा भाग भगवता भगवान कर ये यात्रा जो द्वादश यात्रार कथा कह जा बार मस तेर यात्रा ये यात्रा हूँ मंचे स्नानम
रथवर गति शयनम अयने द्वे पार्श्वृति शयन निवृति प्रावृति पुष्य पूजा दोल केली दमन कमहो चाख्य पूर्णि तृतीया ये सांग यात्रा भुवन वंदिता द्वादशेयं नरेन्द्र ये बारटा यात्रा मोर प्रधान यात्रा हब एवं आउ गोटे यात्रा हब प्रधान यात्रा भितर बार मस तेर यात्रा जहाँ को कहती ता हूँ नीलाद्री महोदय ये यात्रा संपर्क आमे अनेक कथा शुणीचे स्कंदर ये यात्रार वर्णना केवल संक्षिप्त आकार रे ये उत्सव जमी लंबी जाइए जिते जिते कार्य सब हूँ प्रति उत्सव एक पार्वण ऋतु भली लगुच हुए तो सेतबेले सही आकार रे सही भली भाव रे हो नथिला कारण पुराण रे अति संक्षिप्त भाव रे ये यात्रार परिचय केवल दिया जाइए तो संपूर्ण भाव रे ये प्रधान यात्रा दुईटी कथा कहुई मंचे स्नानम रथवर गति रथ एवं स्नान ये दुईटी यात्रा कहुई आमे केते कथा शुणुचे स्नान यात्रा विषय रे रथ यात्रा विषय रे अनेक कथा शुणुथिले मौलिक भाव रे पुराण वर्णित भाव रे जेउ कथा लेखाई स्नान यात्रा काही के हबो ज्येष्ठ पूर्णमी रे स्नान यात्रा हबो ये स्नान कौन पाई महाप्रभु करिवे सबुदिन कौन महाप्रभुंकर स्नान हौ नाही मंत्र स्नान होउची दर्पणिया स्नान होउची एठी किंतु सुअ शरीर रे एमती समस्ते स्नान करिवे ये विधि सेही कालरु इंद्रदुम्न कालरु मध्य चली आसी संपूर्ण भाव कथा गड्डालिका प्रवाह चली आसी कौन पे जो मंत्र माने एथरे बोला जानती जे भली भाव पढ़ा जानती ता होची जेमती बलभद्र नमस्तेस्तु रेवती प्राणवल्लभ माने संपूर्ण भाव हे रेवती कांत हे प्राणमणि रेवती प्राणमणि संपूर्ण भाव आविर्भाव दिनांत्यद्य स्नापय मेहमंभसा ये कारण बारी रे ये संपूर्ण तीर्थ जल रे आपण आज स्नान करंत दीन बंधो दया सिंधुरु नीलाचल पते हरे अद्य जन्म दिनं नाथ पावनम जायते तब हे प्रभु आपण को आमे स्नान करिवा पे एति पे कहुचु आपणकर आज हूँ जन्मदिन आम आलोचना प्रसंगे एक कहीजे वृद्धवर्धक ये ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन आसी पंदर दिन समय ने तेणु दारूर प्रकट प्रतिमा को न कही दारू को स्नान कई मूर्ति प्रतिष्ठा जितेबले करागला से ही दिन को प्रभुंर जन्मदिन बोली घोषणा करागला से ही दिन ठार् अद्यावधि महाप्रभुंकर स्नान यात्रा जन्म दिन पालन उत्सव पाई सबकि करा जाउछि ये स्नान यात्रा रो अनेक विभाव अछि अनेक विभाव रथ यात्रा पर एथिरे पहंडी होंती आसंती एटी स्नान करंती संपूर्ण स्नान ये लौकिक रीति रे जो स्नान सब आप देखुछंती अने ढालिले भूसुरे नीरे श्रीमुख मंडले धारा मान पतित हो इलास मुह जोले किमेरु हीरा माराग हेम श्रृंगु खसी जाह्नवी जमुना हरि ताल धारे मिसी महाप्रभु बलभद्र धवल रंगर महाप्रभु जगन्नाथ कृष्ण वर्ण सुभद्रा हरिद्रा वर्णा तेणु ढालिले भूसुरे ब्राह्मण माने निरे श्रीमुख मंडले संपूर्ण भाव दैहिक स्नान देहरे ही पानी बेंती संपूर्ण स्नान तांकु कराउछंती श्रीमुख मंडले धारा मान पतन होइला समुज्वले केमिति धारा आसिला किमेरु हीरा माराग एक मेरु पर्वतरु हीरार पर्वतरु ता उपरे पानी पड़ी भगवान बलभद्रंक अंग धळा हेथिबारु सेथिरि जो पानी बही आसुचि सी रंग होउछि धवल रंग गंगा जलर रंग देवी सुभद्रांकर रंग हरिद्रा तेणु हरिताल धारा सुभद्रांकर गाधेथिबा जल जो होउछि तांक शरीर दे आसुचि प्रवाहित होउछि ताहा संपूर्ण भाव रे हरिताल धारा एवं हेम कहिले सुना
संपूर्ण भाव में मानने माराग कहले कला मर्कत मणि की गाधे जो कला रंग आसब कला पा आसब तो भगवान जगन्नाथ को स्नान कई दौला बेले किमेरु हीरा माराग हेमश्रृंगु खसी जाह्नवी जमुना हरिताल धारे मिसी त्रिधार त्रिवेणी एकाठी होती जाह्नवी गंगा तार माने जल स्वच्छ जमुना कालिंदी तार जल कला एवं हरिताल धारा हरिद्रावर्ण ये तीन हे एकाठी तीन धारा रे प्रवाहित हो नहीं सर्वज्ञ किंबा ब्रह्म परिवार जानिले निश्चय प्रभु दक्षिण कुंजर हे पूर्वजरे पूर्व गज भाव उपजाई पहंडी विजय कहले हलाई हलाई पहंडी जत स्नान यात्रा रे प्रभु माने आसिले भंजे सेते कहते गोटे कथा पूर्वजरे पूर्व गज भाव उपजाई पूर्वज भगवान पूर्वज बा अग्रज होती महाप्रभु बलराम पूर्व गज ऐरावत ऐरावत वर्ण हूँ धला तेणु महाप्रभु धला हाथी में संपूर्ण भाव से एक मतमातंग से एक संपूर्ण श्वेत मातंग यही भाव से पहंडी आसुंची जाणिले निश्चय प्रभु दक्षिण कुंजर दक्षिण दिगर कुंजर बा हस्ती होती बामन से देखिए कला रंग तेणु गोटे धला हाथी गोटे कला हाथी से नीलाद्री कंदरा भितर नीलाद्री गुंफा भितर सतरे मतुआला चाली मतमातंग ठाणी से भाव संपूर्ण हली दोहली पहंडी आसुंच प्रभु नुहबे सर्वज्ञ किंबा ब्राह्म परिवार एथरु कौन जना पड़ूना सेवक मैने ब्राह्मण मैने पंडित मैने अंगलागी सेवक मैने भगवान को संपूर्ण एमती हस्तिवेश हस्ती बोली जानती से नीलाचल हाथी संपूर्ण भाव करीतया सब यही भाव प्रभु को स्नान बेदिकी अणा जाए जो गरार कथा आम तो स्नान यात्रा एवं कथ यो गरारे पा ढाल के गरा क्या सब कथार उल्लेख पुराण में ना भाव परंपरार राजा महाराजा अनुकंपा संपूर्ण भाव ये यात्रा अनुष्ठित होची ये यात्रा होची स्नान यात्रा प्रभुंकर जन्मदिन यात्रा नीलाद्री बिहारीनाथ जगन्नाथ अगति रगतिनाथ जगन्नाथ करुणा वरुणालय जगन्नाथ अशरण शरण जगन्नाथ रत्न सिंहासन बसी टेकी दुई हाथ डाकुंट नीलाचल आस हे भक्त मोर दर्शन हेब मुख्य व्रत जगन्नाथ।